गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं इंटीग्रेशन का। जो हमने अब तक 3 वीडियोस दी हैं इंटीग्रेशन की, उनमें सबसे मैंने बेसिक दिया इंटीग्रेशन का। अब आगे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपके एलिमेंट की बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं 9.1, और वैसे भी इंटीग्रेशन के अब बेसिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1 - x (√x)/dx, इसको आपने सोल्व करना है। तो पहले तो मैंने कहा ना, देखो क्वेश्चन को लेके ऐसे चलो कि थोड़ा सा सोल्व होते हुए आए और इजी लगे आपको मेथड, ये नहीं कि सीधा ही करके चल रहे क्वेश्चन को। आपको दिख रहा है 1 - x (√x) सब मल्टीप्लाई में है, तो पहले इनको प्लस माइनस करके अलग अलग कर ले टर्म्स को। तो क्या बनेगी टर्म्स यहाँ पे, इंटीग्रेशन √x - x^3/2 और इंटू में dx। वैल्यू तो एलजेब्रिक है, रूल वही फॉलो हो सकता है होल पावर छोड़ के अंदर लीनियर, लेकिन है नहीं ऐसा, होल पावर 1 अंदर लीनियर नहीं है, वैल्यू नहीं है ना, तो अलग अलग कर दे। अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, √x (dx) - x^3/2 dx। हाँ तो इसका आंसर आएगा x^3/2/3/2। सिंपल 1 ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे पावर छोड़ के अंदर लीनियर है, ठीक है। माइनस में यहाँ पे x^5/2/5/2 इंटू 1/1 दोनों केसेस में आएगा, और प्लस में सी, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। पता चुका हम सब बेसिक इसका में। नेक्स्ट देखो, आप इसको सोल्व करेंगे तो होल पावर आ रही है, होल पावर छोड़ के अंदर वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, लीनियर, कैसी है बात, नहीं है लीनियर अंदर, क्योंकि आप पावर स्क्वेयर में आ रही। तो क्या करूं, पहले फार्मूला खोल लो, ठीक है, सीधा पावर में ऐड तो करना नहीं है, तो पहले फार्मूला खोलें। देन क्या होगा, फार्मूला खोलेंगे तो a - a + b + c का होल स्क्वायर खोल, देख लो क्या आएगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ डबल डबल का, ताकि ट्रिपल में आपको दिक्कत ना आए। देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, x^2 - 2x, इसको मैंने a मान लिया और इसको b मान लिया। हाँ तो इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 × x^2 - 2x (1), और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा के इंटू में dx, हो गया ना, a² + b² + 2a × b, ठीक है। नेक्स्ट चले, अब इसका फॉर्मूला खोलना है पहले, और सिंबल ऐसे कैसे इंटीग्रेशन, यहाँ पे a - b का होलेगा होल स्क्वायर, x^4 प्लस में 4x² - 4x^3 प्लस में 1 प्लस में 2x² - 4x, और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट और इंटू में dx। देखिए ब्रैकेट जरूर होना चाहिए क्वेश्चन पे, क्योंकि शुरुआत इंटीग्रेशन से है तो खत्म dx पे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पहले तो टर्म्स कंबाइन करें, x^4 फिर यहाँ पे -4x^3 फिर ये और ये दोनों ऐड हो गए प्लस के 6x² फिर यहाँ पे -k 4x प्लस का 1 और इंटू में कितना dx आएगा, ठीक है। अब सबका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं करे तो देखो राइट आगे सीधा पावर में ऐड करो, और क्या है, अलग अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग होगा, इसका अलग क्या आंसर आएगा, x^5/5 क्योंकि होल पावर छोड़ के 4 छोड़ के ये वैल्यू लीनियर है, इसलिए, ठीक है, इसमें 4 बाहर, आगे x का डेरिवेटिव वो तो मत करो, 1 ही होना है। -4 ऐसे कैसे, यहाँ पे x^3 है तो फिर एक पावर में ऐड हो गया x^4/4 फिर प्लस में 6x² है देन x^3/3 फिर माइनस में 4x है 4x² / 2 प्लस में 1 है प्लस x प्लस c, ये आंसर हो गया, क्लियर है गाइस, 1 का x हो गया, ठीक है। यहाँ जाओ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, 3 ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले अलग अलग करेंगे सबका, तो सबका अलग अलग ले लो, e^x (dx) प्लस में 3 यहाँ से बाहर ले लेते हैं cos x (dx) माइनस में 4 बाहर ले लिया x^3 (dx) प्लस में 2 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन इंटू में dx, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, e^2 का सेम होता है क्योंकि एंगल, सॉरी पावर इसकी लीनियर होनी चाहिए। देखिए जो बताया था मैंने बेसिक, अगर बेटे वो बेसिक याद हो गया ना आपको, तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है आपको कुछ इंटीग्रेशन में करने की, सब सिंपल है, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। बस अब तो आप ट्रिक देखते रहे कैसे कैसे लगनी है ट्रिक, रूल सब वही है, सीधा होगा, x का आएगा 1/1। अब देखो आप ये भूल जाते हो, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 सेम, और cos का होता है sin x, फिर x का 1/1, ये सब लीनियर होने चाहिए, ये x लीनियर होना चाहिए तब होता है, माइनस में
फोर इंटू यहाँ पे x की पावर 4 बाई फोर, यहाँ पे इंटू फिर से 1 बाई वन इस x का हो गया, और प्लस में 2 इंटू में x और प्लस में c, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, देखा क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू सी कैंट स्क्वेयर एक्स। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों में कैसे भी करके सोल्व करके उसको या तो बेसिक चीज तक लेके आओ, बेसिक जो मैंने बेसिक फॉर्मूले पढ़े होंगे वाले, या आगे जो फॉर्मूले पढ़ोगे वहां तक लेके आना होता है। अभी तो हमने बेसिक पढ़ा है ना, तो इनको बस सोल्व करके और बेसिक फॉर्मूले तक लेके आया करो कैसे भी करके, देखने से कैसे होगा। ये नहीं कि साइन का होता है माइनस कोस और सेकेंट स्क्वेयर का होता है टेंजेंट, नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई में वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, इसको लिखा साइन एक्स, इसको लिखा वन बाई कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स। तो शायद अगले स्टेप में साइन बाई कोस तो हो जाएगा टेंजेंट एक्स, और ये वन बाई कोस बचेगा, ये आएगा सीकेंट एक्स इंटू में डी एक्स, और ये पूरा सीधा फार्मूला होता है सीकेंट एक्स का प्लस सी, ये आंसर हो गया। ये सीधा फार्मूला होता है सीकेंट एक्स का, ठीक है, वो मैं लिखवाई फार्मूला उसके अंदर, बस x लीनियर होना चाहिए, x लीनियर ही है, आगे x का डेरिवेटिव होगा इंटू वन बाई वन। ठीक है, वो तो करने किया नहीं मैंने। यहाँ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, 2 की पावर 2x इंटू 3 की पावर x है, दोनों पार्ट मल्टीप्लाई में है, पहले तो सिंगल पार्ट बनाओ दोनों को, वैल्यू है एक्सपोनेंशियल। अब सिंगल पार्ट कैसे बनेगा, तो मैं इसको यू भी कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 पूरे की पावर x इंटू में 3 की पावर x इंटू में dx, ये होगा ना। अब 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 की पावर x इंटू 3 की पावर x इंटू में dx। अब ऊपर की पावर सेम, तो नीचे के बेस आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन, तो 12 की पावर x इंटू में dx कर दूं, एक ही तो बात है ना, ऊपर का बेस ऊपर के पावर मल्टीप्लाई में है, आपको ऊपर की पावर सेम सेम दिख रही है, तो पावर सेम रहने वाली है, और नीचे का बेस आपस में मल्टीप्लाई में कर दो, 4 3 12 हो गया ना, 12 की पावर x, और 12 की पावर x का क्या आंसर आएगा, 12 की पावर x ओवर log ऑफ 12, ये आंसर आता है। ठीक है, और अब बच गया x का डेरिवेटिव, वो 1 by 1 plus c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ये सीधा फॉर्मूला है टेंजेंट इंटू सीकेंट आ गया ना, मैंने यहाँ पे लिखा सीधा फॉर्मूला क्या आएगा सीकेंट का, बस एंगल लीनियर होना चाहिए, तो एंगल लीनियर ही है, जेड में तो जेड में सही, क्या दिक्कत है, बस दोनों एंगल लीनियर और सेम सेम होने चाहिए, लीनियर है, तो क्या आंसर आएगा सीकेंट 2 माइनस 3 जेड हो गया, और इंटू में अब अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 बाई माइनस 3 और प्लस में सी, ये आंसर हो गया, क्योंकि अब जेड के रेस्पेक्ट में होना है डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, यहाँ आपको दो टर्म्स दिख रही है मल्टीप्लाई में, तो क्या करो दोनों को करके मल्टीप्लाई अलग अलग करें, पहले यहाँ इस x की x से x की पावर 3, इसकी से प्लस 1 बाई x, इसकी से प्लस के x, इसकी से प्लस 1 बाई x की पावर 3, और इंटू में dx, सबका अलग अलग कर दो, पहले x की पावर 3 इंटू dx प्लस में 1 बाई x इंटू में dx प्लस में x इंटू में dx प्लस में 1 बाई x क्यूब इंटू में dx, देखिए हो गया ना। यहाँ पे क्या आंसर आएगा सीधा x की पावर 4 बाई 4, यहाँ पे क्या आंसर आएगा पता है मुझे, log mod of x डिवाइड में लीनियर टर्म है, प्लस में यहाँ पे क्या आंसर आएगा x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो x की पावर माइनस 3 हो, क्योंकि ऊपर x नहीं मेरे पास, x की पावर माइनस 3। अब वही, जब x की पावर माइनस 3 हो गई तो माइनस 3 में पावर छोड़ के चेक करो, ये वैल्यू लीनियर है नहीं, हाँ तो पावर छोड़ के लीनियर है वैल्यू, पावर से एक ऐड हो गया, तो कितना आएगा प्लस में x की पावर माइनस 2 ओवर माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। पावर में एक ऐड हुआ है, माइनस 3 में एक ऐड करोगे तो माइनस 2 बचेगा, डिवाइड में से माइनस 2, फिर अंदर के पार्ट देखो, अब सब में हुआ, इस x का डेरिवेटिव 1 बाई 1, इस x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 नहीं लिखा, इस x का डेरिवेटिव 1 बाई 1, और यहाँ ऊपर जाएगा x का डेरिवेटिव 1 बाई 1, वो तो मत लिखो वैसे का, लेकिन यहाँ अगर ऐसे टर्म्स आते तो आपको लिखना पड़ता है, टर्म्स थी तो माइनस 1 बाई 3 आएगा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसके ऊपर, देखिए स्टूडेंट्स मैंने 3 क्वेश्चन लिखे यहाँ पे इंटीग्रेशन के। फिर से पहला क्वेश्चन लिखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये वैल्यू मेरे पास, क्या करना है हमने इसका, हमने इसको सोल्व करना है और आंसर निकालना है, तो कैसे होगा, ऊपर पावर बड़ी नीचे पावर छोटी, तो एलजेब्रिक का रूल नंबर 3 लग गया ना, डिवाइड करना पड़ेगा है ना, तो डिवाइड करें आप क्या आएगा,
यहीं पे करें, क्वेश्चन में ही रफली नहीं करना है, कोई क्वेश्चन के अंदर ही करते हैं डिवाइड। किससे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पे। कितने पे गया? एक्स स्क्वायर पे जाएगा पहले, तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर थ्री प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कट हो गया, पहले एक्स की पावर थ्री फिर ये और ये भी कट हो गया, प्लस में वन बचा। अब कितने पे गया? प्लस एक्स पे गया, देन कितना आएगा? एक्स की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब प्लस वन पे गया, ये तो स्टूडेंट्स आपको आता ही होगा करना, ऐसी बात नहीं है, ये तो केवल डिवाइड ही तो है, और ये सब कट हो गए, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो मैंने क्या कहा था, कैसे लिखेंगे इसको? I इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो आंसर आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर जीरो तक लिखो मत, इंटू में सीधा ही dx। सीधा क्या आएगा इसका आंसर? x की पावर 3 बाई थ्री प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन लिखा है मैंने, ऊपर भी x नीचे भी x, ठीक है, तो वही थ्री रूल, छोटी बड़ी पावर चेक करनी होती है, तो चेक करो, ऊपर पावर वन नीचे पावर, आप कहोगे नीचे हाफ आ रही है पावर पूरे पे, तो जो और पावर आएगा वो छोड़ दिया करो, वो मत लिया करो आप, देखो और पावर को छोड़ के अंदर कितनी पावर आ रही है, अंदर कितनी पावर आ रही है, वन यहाँ वन यहाँ वन, मतलब नीचे का ऊपर सेम बनाना पड़ेगा, ये आपका फोर्थ रूल था एलजेब्रिक का, है ना। हाँ तो नीचे का ऊपर सेम बनाओ, कैसे बनेगा? प्लस ए माइनस ए, तो कर दो यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्स प्लस ए माइनस ए ओवर एक्स माइनस ए इंटू में डी एक्स। अब कैसे होगा, जो टर्म सेम बनाई है उसके डिवाइड में सेम, इंटू में डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऊपर ए ओवर रूट में एक्स माइनस ए इंटू में डी एक्स, ये बचेंगे वैल्यूज। अब ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो ऊपर शायद हाफ पावर बचेगी, एक्स माइनस ए की पावर हाफ इंटू में डी एक्स प्लस, मैंने ऊपर से ए बाहर ले लिया कि ए वेस्ट टर्म है, और ये ऊपर जाएगी टर्म्स, तो क्या होगी, एक्स माइनस ए की पावर माइनस हाफ हो जाएगा और इंटू में डी एक्स हो गया, x माइनस ए की पावर हाफ यहाँ हो गई प्लस में a और ये ऊपर की पावर तो माइनस हाफ। अब देखो वही होल पावर छोड़ के लीनियर, होल पावर छोड़ के लीनियर, सीधा हो जाएगा पावर में कैंड, तो क्या आंसर आएगा इस टर्म्स का, x माइनस ए की पावर 3 बाई टू ओवर कितना 3 बाई टू, फिर अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव तो 1 होना है, ठीक है, प्लस में ये वाला a सेम, और यहाँ पर x माइनस ए की पावर 1 बाई टू, 1 ऐड करोगे तो 1 बाई टू बचेगा ओवर 1 बाई टू और फिर 1 बाई वन प्लस सी, ये आंसर आएगा। थोड़ा ठीक भी कर सकते हो इसको, 2 ऊपर ले जाओ 3 नीचे, 2 बाई थ्री ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, फिर से ऊपर नीचे पावर चेक कर दो, जगह x है तो ऊपर पावर 1 और नीचे पावर 1, होल पावर छोड़ दो, ठीक है, तो फिर क्या करना है, नीचे का ऊपर सेम बनाना है, तो कैसे बनेगा सेम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि नीचे कितना है 2x है पहले, तो ऊपर आप पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, मैंने डिवाइड तो बाहर कर दिया और ऊपर ऐसे कर दिया, हो गया तक। अब साथ माइनस वन चाहिए, हाँ तो माइनस वन प्लस वन कर दो अपनी तरफ से, इंटू में डी एक्स, हो गया ना तैयार। अब बनाओ सेम सेम, हाँ तो वन बाई टू ऊपर टू एक्स माइनस वन नीचे रूट में टू एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स, फिर आगे प्लस वन टू हो गए, वन बाई टू आगे है ही ऊपर टू और नीचे आ जाएगा रूट में टू एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स, ओ सॉरी देखो टू से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी भी टू से, इसकी भी टू से होनी थी मल्टीप्लाई, है ना, सेम ही था ना, अब माइनस वन प्लस वन होगा, हाँ तो टू प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा थ्री, ठीक है केस। अब आ जाओ, हाँ तो ये पार्ट तो कट हो गया, ऊपर बचेगा हाफ, हाँ तो ये हुआ वन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस वन की पावर हाफ इंटू में डी एक्स प्लस में यहाँ से थ्री बाहर, 3 बाई टू ये पावर ऊपर गई, देन माइनस, हाँ तो 2x माइनस 1 की पावर माइनस हाफ इंटू में dx, देखो दोनों जगह पे हाफ छोड़ दो लीनियर, ये माइनस हाफ छोड़ दो ये भी लीनियर, हाँ तो पावर में एक ऐड हो जाएगा सीधा, तो क्या आंसर आएगा 1 बाई टू 2x माइनस 1 की पावर 3 बाई टू ओवर 3 बाई टू, हो गया एक ऐड, फिर आगे अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव, हाँ तो वो 1 बाई टू आएगा साथ में प्लस 3 बाई टू यहाँ पे
टू एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू ओवर वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस सी, ये आंसर होगा। ठीक है ना, पावर में क्या डिगे, सिंपल मैंने ऊपर करवाया तो है, सेम ही क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, इसी में करता हूं मैं, अगर ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में होता तो x इंटू दिस, जैसे यहां पे डिवाइड ना होकर के ये क्वेश्चन होता मल्टीप्लाई में ऐसे कि x इंटू रूट में x माइनस a इंटू में dx इंटीग्रेशन। अब कैसे करते, तो अगर आप देखा करो मल्टीप्लाई में दो पार्ट आ रहे हैं, ठीक है, दो में से एक अलग दूसरा अलग, दूसरे पार्ट में x माइनस a है, पहला पार्ट खाली a है, x है, दोनों की पावर सेम सेम है होल पावर छोड़ करके, तो भी बाहर से पावर नहीं है, वो उस पार्ट में पावर नहीं है तो बाहर ये फिर सेम बनाना है, तो ऐसे ही होगा फिर से x माइनस ए प्लस ए और इंटू में रूट में x माइनस ए इंटू में dx। ठीक है, अगर होता मतलब तो वैसे होता, इसकी से मल्टीप्लाई तो क्या लिखोगे इस पूरे पार्ट की से, तो ये हो गया x माइनस ए की पावर थ्री बाई टू, ठीक है, और दूसरे पार्ट में इंटू में dx प्लस दूसरे पार्ट से a बाहर हो गया और ये बनता x माइनस ए की पावर वन बाई टू और इंटू में dx i इक्वल टू, सीधे दोनों पर मन ऐड होता, तो ऐसा पार्ट चाहे आए मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में सीधे दोनों में सेम सेम बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे थ्री क्वेश्चन लिखे हैं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन ओवर रूट एक्स प्लस टू माइनस रूट एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अगर दो टर्म्स नीचे रूट में आ जाए ऐसे तो रूट का तो एक ही सोल्यूशन है और वो क्या होता है सबको पता है, रिसलेशन करना है, देन पहले इसका रिसलेशन होगा। तो इंटीग्रेशन वन ओवर रूट में एक्स प्लस टू माइनस रूट में एक्स प्लस वन इंटू इसी पार्ट का साइन चेंज करके कर दो प्लस में एक्स प्लस वन ओवर रूट में एक्स प्लस टू प्लस में एक्स प्लस वन इंटू में डी एक्स, हो गया तक। अब इसको यहां लेके आ जाओ और इन दोनों करो नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो गया रूट में एक्स प्लस टू प्लस रूट में एक्स प्लस वन ओवर ए माइनस बी ए प्लस बी, देन क्या होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स, कैंसिल टू माइनस वन वन, देन टू टर्म्स बच के आएगी एक्स प्लस टू इंटू में डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन इंटू में डी एक्स, हो गया ऐसे क्योंकि डिवाइड वन बचा है और अब दोनों की होल पावर वन बाई टू है, छोड़ के अंदर लीनियर है तो सीधा हो जाएगा, क्या लिखोगे x प्लस टू की पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू इंटू वन बाई वन प्लस यहाँ पे x प्लस वन की पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री बाई टू इंटू वन बाई वन प्लस सी, ये आंसर हुआ। सीधा ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सिंपल सीधे वही रूल लग रहा है लीनियर वाला ही। ठीक है, सेकंड आ जाओ, साइन टू एक्स इंटू कोस थ्री एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन करना है। अब साइन कोस मल्टीप्लाई में आ गए, मैंने जो प्रीवियस वीडियो उसमें आपको साइन कोस के पावर की क्वेश्चन कराई थी कैसे होते हैं, लेकिन अब साइन कोस मल्टीप्लाई में आ गए तो कैसे भी करके फार्मूला बनाओ और सोल्व करो, बस मल्टीप्लाई में नहीं चलेगा, प्लस माइनस लेके आ जाओ इनको। हाँ, तो इलेवंथ में पढ़े थे आपने फार्मूले मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में चेंज करने के, थे ना। देखो उसमें क्या होता है, उसमें पहले आपको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ फार्मूले में आगे टू होना चाहिए। ठीक है, और अब हमने पढ़ा होगा आपने टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी इंटू में डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है टू साइन ए कोस बी का। दो पार्ट मल्टीप्लाई में तो मैंने प्लस माइनस में कर दिए, प्लस में हो गए तो मैं अलग अलग करके सोल्व कर सकता हूँ इजीली, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ी मैं अलग कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा यहाँ पे, या तो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन फाइव एक्स इंटू में डी एक्स अलग पार्ट एक, प्लस में फिर से वन बाई टू इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स, बचेगा अंदर माइनस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन एक्स हो गया। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वन बाई टू, साइन का होता है माइनस कोस फाइव एक्स इंटू वन बाई फाइव, क्योंकि साइन के अंदर का एंगल लीनियर है और सामला बना बनाया आ गया, तो पहले सेम हो गया साइन का माइनस कोस फाइव एक्स का फाइव वन बाई फाइव आ गया। ठीक है, अब साइन का फिर से माइनस कोस माइनस पहले ही है, प्लस का हो गया ये वन बाई टू साथ में, यहाँ कितना होगा कोस एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, अब तक
नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, ये थे मल्टीप्लाई में, अगर ऐसे दो दो पार्ट आए मल्टीप्लाई में तो टू आगे होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूले फॉलो कर सकते हैं अपनी इलेवंथ की बुक में आपके, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी करवाए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी करवाए थे मैंने फॉर्मूले। नेक्स्ट देखिए, आई इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कैसे करना है, वो मल्टीप्लाई में थे ये डिवाइड में है, तो क्या करना है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ प्लस माइनस चाहिए अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, तब हो जाएगा सोल्व। उसके लिए क्या करूं, अलग अलग कर दो ना, वैसे ही हो रहा है अलग अलग, ये तो यू बना देता हूं, वन ओवर कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स माइनस सेकेंड हो गया ऊपर साइन एक्स और नीचे हो गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, वन बाई कोस स्क्वायर, तो ये बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, और माइनस में साइन बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई कोस तो टेन हो गया और एक वन बाई कोस सेकेंड हो गया, हाँ तो क्या बनेगा यहाँ पे टेन एक्स इंटू में सेकेंड एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का हो गया टेन एक्स माइनस और इस पूरे कंप्लीट का हो गया सेकेंड एक्स प्लस में सी एक्स का दोनों में डेरिवेटिव, ये सीधे फॉर्मूले बन गए आपके। तो बस इंटीग्रेशन में तो यही करना है, सीधे सोल्व करते हुए आ जाओ और इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स साथ साथ लेके चलते रहो और बीच का पार्ट अपनी तरफ से सोल्व करते, जैसे आप सोलो सोल्व करते रहो, एंड में जहां दिखे कि हाँ मुझे इसका फार्मूला पता लग गया है वो लगा दे फार्मूला। इंटीग्रेशन सीधे फार्मूलों का ही होता है, मेन बात है फार्मूले तक इंटीग्रेशन को पहुंचाना, बस ये स्टेप, और यही अब हम आपको हर एक्सरसाइज में सिखाएंगे कैसे करना है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, देखिए सुन, मैंने यहाँ पे टू क्वेश्चन लिखे हैं फिर से, तो आपको पार्ट दिख रहा है पहला वन ओवर वन प्लस साइन एक्स, सेकेंड है वन ओवर वन प्लस कोस एक्स, कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें सिर्फ ट्रिक याद होती है कि ये ट्रिक कैसे होगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन आए वन प्लस साइन डिवाइड में हो जाए बिना पावर किसी कुछ के भी, तो सीधा रिसलाइजेशन होता है इसका, वो चाहे आप वन माइनस साइन हो तो भी क्या होगा रिसलाइजेशन, तो वन प्लस साइन या वन माइनस साइन सीधा रिसलाइजेशन होगा, यहां भी चाहो तो कर सकते हो रिसलाइजेशन, नहीं तो इसका सीधा फार्मूला पता होता है मुझे वन प्लस को उसका, ठीक है देखना। तो पहले मैं ये करता हूं, तो कैसे होगा वन ओवर वन प्लस साइन एक्स इंटू में वन माइनस साइन एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स और डी एक्स यहाँ कर दो, ठीक है। हाँ तो ऊपर तो हो गया वन माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ तो ऊपर तो हो गया वन माइनस साइन एक्स और नीचे हो गया कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स, अभी करवाया मैंने पीछे ही क्वेश्चन था बोला, दोनों को अलग अलग करके सोल्व करना है, हो गया ना सोल्व, ऐसे ये होता माइनस में तो भी प्लस प्लस से करते मल्टीप्लाई, ये इसकी ट्रिक है करने की। यहाँ आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करना है तो एक तो यही ट्रिक हो गई, कर लो रिसलाइजेशन सीधा, ठीक हो जाएगा इससे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही वाले, और अगर ऐसे नहीं तो इसका सीधा फार्मूला होता है टू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स की, वन प्लस कोस का फार्मूला क्या होता है, लगाओ सीधा फार्मूला होता है ना टू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू, अगले पार्ट में ये वन बाई टू बाहर इंटीग्रेशन, ये कोस स्क्वेयर ऊपर गया तो सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स हो गया, ठीक है वन बाई टू सेम टू सेम, और इस सेकेंड स्क्वेयर का होता है टेंजेंट एक्स बाई टू, ये लीनियर होना चाहिए, हाँ तो ये लीनियर ही है एक्स बाई टू तो हो गया, और अब इस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू और प्लस में कितना सी, तो आंसर क्या आया वन बाई फोर टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस सी, ये भी आ सकता है आंसर, और तरीका लगाओगे दूसरे वाला तो अलग आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी में आ जाओ, जैसे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर हो जाए साइन एक्स और नीचे हो जाए वन प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स, अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब होगी प्रॉब्लम। तो जो रूल बताए है ना, अब ये नहीं होता है कि जो रूल बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन होते रहेंगे, नहीं कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी आ जाते हैं, जैसे इसमें ये ट्रिक थी अब ये वाला अटक गया, हाँ तो अब वो रूल लगाए आप सेम टू सेम वाला था ना एलजेब्रिक में, आप कहोगे यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री है कोई बात नहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी रहने दो है तो, लेकिन आप रूल एलजेब्रिक वाला लगाएं, और कौन सा इक्वल इक्वल वाला, कि ऊपर नीचे सेम सेम पावर है या सेम सेम टर्म्स है, वहां पावर की बात थी यहाँ पे क्या है सेम सेम टर्म्स, अगर ऊपर नीचे सेम सेम टर्म्स है तो नीचे का ऊपर सेम बनाया करो, यहाँ वन प्लस साइन एक्स ऊपर साइन एक्स तो सेम सेम बनाओ प्लस वन और माइनस वन हो गया सेम, अब इन दोनों को अलग अलग करो तो देखना क्या बनेगा, ऊपर तो हो गया वन प्लस साइन एक्स ओवर वन प्लस साइन एक्स इंटू में डी एक्स, सेकेंड माइनस वन ओवर वन प्लस साइन एक्स और इंटू में डी एक्स, ये तो कट गया वन बनेगा, वन का आंसर आ गया एक्स सीधा, और ये वाला ऊपर कर ही रखा है मैंने,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की पार्ट है हमारे पास, जैसे इसी पार्ट में मैं लिखता हूं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में वन प्लस साइन एक्स हो गया इंटू में डीएक्स, ये पार्ट। अब यही पार्ट यहां डिवाइड में आया था बिना पावर के तो हुआ स्लाइसर, अब यही पार्ट ऊपर आ रहा है पावर हाफ आ रही है तो वन प्लस साइन एक्स का सीधा फार्मूला खुलेगा, और फार्मूला क्या होता है वन प्लस साइन एक्स का, रूट में कोस एक्स बाई टू, बता रखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोस एक्स बाई टू प्लस, वैसे मैंने वहां बताया था डेरिवेटिव में भी, साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा इंटू में डी एक्स, एक्स का एंगल का आधा हो जाएगा, हो गया ना, स्क्वायर से कट गया रूट, हाँ तो क्या बचा यहाँ पे अब कोस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू ब्रैकेट ब्रैकेट इंटू में डी एक्स, दोनों कर दो अलग अलग, कोस का तो हो जाएगा भाई साइन एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का आ गया वन बाई टू, याद आ गया ना यहाँ पे, देखो एक मिनट सीकेंट स्क्वायर का हुआ टेन एक्स बाई टू, एक्स बाई टू का हुआ वन बाई टू, तो वो डिवाइड में आएगा वन बाई टू, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन ये टू से टू कैंसिल होगा, रिजल्ट ये मैच करेगा इसका, ठीक है, वो मुझे यहाँ स्टेप याद है वो क्या मिस्टेक हुई ऊपर, हाँ तो साइन कोस का हो गया साइन एक्स बाई टू, ये लीनियर वाच लीनियर है आगे, अब एक्स बाई टू का होगा वन बाई टू, वो फिर उल्टा हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है, साइन का हो जाएगा माइनस कोस माइनस कोस एक्स बाई टू, ये फिर होना चाहिए लीनियर लीनियर है, फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू, वो टू ऊपर हो जाएगा प्लस में सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि आई इक्वल टू रूट में वन माइनस कोस टू एक्स इंटू में डी एक्स हो जाए तो भी सीधा फॉर्मूला होता है वन प्लस कोस वन माइनस कोस वन प्लस साइन वन माइनस साइन, चारों के फॉर्मूले होते हैं, एंगल का हाफ करके लगा दो फॉर्मूला, हाँ तो इसका क्या होता है रूट में टू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा, यही हुआ ना, यहां से पहले रूट टू बाहर और स्क्वेयर से कटेगा रूट, तो क्या बचेगा साइन एक्स इंटू में डी एक्स, हाँ तो आंसर आ गया माइनस रूट टू कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में सी। ये ट्रिक्स है कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चनों के बारे में कि ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, ठीक है, तो आप समझ में आया वन प्लस साइन वन प्लस कोस डिवाइड में हो तो बिना पावर के तो रिस्लाइसन, यहां भी रिस्लाइसन हो सकता है सीधा फॉर्मूला खुल सकता है, दूसरा चाहे क्वेश्चन माइनस में दोनों सेम होगा, माइनस होगा तो फॉर्मूला खुल जाएगा टू साइन स्क्वेयर प्लस है तो टू कोस स्क्वेयर, अगले पार्ट पे ये ऊपर रूट में आ जाए तो फॉर्मूला ये लगेगा, ये रूट पे हो तो वही लगना है, क्लियर है, ये अगर वैल्यू सेम सेम आ जाए ऐसे ऊपर नीचे तो नीचे का ऊपर सेम बनाने के लिए आप ट्राई करें हमेशा, अब यही वैल्यू कोस में भी हो सकती है, जैसे ऐसे हो जाए क्वेश्चन कि भाई ऊपर तो कोस एक्स और नीचे हो गया कोस एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन इंटू में डी एक्स, तो फिर प्लस वन माइनस वन करके सोल्व करना है, क्लियर है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक पार्ट और देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे वापस टू क्वेश्चन लिखे हैं, देखना कैसे करना है, पहला साइन एक्स इंटू रूट वन माइनस कोस टू एक्स, हाँ तो पहले तो यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा वन माइनस कोस टू एक्स का, तो क्या होगा ये वाला साइन एक्स सेम इंटू में यहाँ फॉर्मूला खोल ले देन टू साइन स्क्वेयर एक्स हो गया एंगल का हाफ होके, टू का तो रूट टू बाहर, इंटीग्रेशन साइन का स्क्वेयर कटेगा साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स, ये बताया था मैंने इवन पावर तो क्या खुलेगा फॉर्मूला रूट टू इंटू वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू खुलेगा इंटू में डी एक्स, ये वही आ गई नोड वाला साइन में पावर में आ गया, तो हाँ तो ये कट हो गया तो वन बाई रूट टू आया, सीधा कर रहा हूं एक्स वन का हो गया एक्स माइनस कोस का हो गया साइन टू एक्स डिवाइड में कितना टू ब्रैकेट प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता हूं यहाँ पे वन माइनस कोस है तो फॉर्मूला खोल दो ऊपर टू साइन स्क्वेयर एक्स नीचे टू कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स, टू से टू कट साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर हो गया टेन स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स, और अब वैल्यू टेन स्क्वेयर आ गई देन टेन स्क्वेयर एक्स क्या होगा वही फार्मूला तो बताया था मैंने सीकेंट सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन पुट करें यहाँ पे, देख स्टूडेंट मैं बता चुका हूँ ये वाली वैल्यूज की, इतना तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ये नहीं कि जो मैंने थ्री बेसिक बताई थी उनको देखा और काम चल गया, ऐसे नहीं, देखा और उनको समझ के उनको दिमाग में बैठाना था तभी तो काम चलेगा आगे, हाँ तो टेन स्क्वेयर क्या होगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन, बार बार मैं अगर वही बातें बताता रहूंगा ऐसे ऐसे होगा तो बेटे बहुत टाइम वेस्ट होना है उस चीज के लिए, तो शुरू की थ्री तो बेसिक वीडियोस है कंप्लीट देख लें कहीं दिक्कत नहीं आनी इंटीग्रेशन में, ठीक है, हाँ तो सीकेंट स्क्वेयर का हो गया
टेन एक्स, एक्स का हो गया 1/1, 1 का हो गया एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में इतना ही कराते हैं। ठीक है, थोड़ा इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन की शुरुआत करें, समझें इनको अच्छे से। जितने क्वेश्चन मिलते हैं उतने ही कम है, मतलब जितने क्वेश्चन आप करोगे उतने ही कम है आपके लिए। क्लियर है? करते रहें, क्वेश्चनों को प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, या वैसे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने आपके लिए। ठीक है, बट प्लीज़ वीडियोज़ को कम्प्लीट दिखा करें। ठीक है, थैंक यू।